तैयारियों में युद्ध स्तर पर लगी हुई है और सभी वर्गों को अपने साथ लाने में जुटी है। सपा भी सभी जातियों के वोटों को अपने साथ लाने के लिए अपने सभी नेताओं को मैदान में उतार चुकी है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी की चुनावी रणनीति, सभी जातियों को साथ लाने की नीति, पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां होंगी साथ। 2022 विधानसभा चुनाव में होगा आगाज। सपा 2022 की नई रणनीति पर काम कर रही है। पिछड़ी जातियों को जोड़ने के साथ विधानसभा बार सपा का जमीन पर कितना असर है, आने वाले चुनाव में किस प्रकार का माहौल बना है, उसकी थाह भी ली जा रही है। पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को लामबद्ध करने के लिए चुनावी मैदान तैयार है, जिसको लेकर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप विधानसभा वार पूरे प्रदेश में बैठकें कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं के घर भी जा रहे हैं। ये वही जातियां हैं जो पूरे प्रदेश की जीत का रुख ही मोड़ देती है, क्योंकि 52% पिछड़ी जातियां, 42% गैर यादव जातियां, 16 जनपद में 12% पटे, 13 जनपद में 10% मौर्य, कुशवाहा और शाक्य, पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड में भी इनका दबदबा, 23 जनपदों में 10% लोध बिरादरी, गंगा यमुना गोमती किनारे 6% निषादों का राज। पिछले लोकसभा चुनाव में सपा को पिछड़ी जातियों के वोट नहीं मिले, इन जातियों पर बीजेपी सेंध मारने में सफल रही। ऐसे में 2022 के विधानसभा चुनाव का समर शुरू होने से पहले इन जातियों को गोलबंदी के लिए प्रयास शुरू कर दिया है और लोगों का सहयोग का आश्वासन भी मिल रहा है। सपा ने पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों को सपा से जोड़ने के लिए मुहिम भी छेड़ दी है। इसी बात को देखते हुए सपा ने संगठन में हिस्सेदारी भी बढ़ा दी। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव को लेकर के खासी गंभीर है और यही वजह है कि पिछड़ा समाज के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप लगातार यूपी की में लोगों को जोड़ने के लिए जिलेवार बैठकें कर रहे हैं। अति पिछड़ा समाज की अगर बात करें तो 52% यूपी में है और ये जिसके साथ जाता है विधानसभा में उसी का परचम लहराता है। अगर सत्ता की बात करें तो बीजेपी के साथ था 12 में, सपा के साथ था तो उसके पहले 2007 में मायावती को भी ताजपोशी समाज ने दी थी और यही वजह है कि नब्ज टटोलने के लिए विधानसभा वार मंडल वार बैठक की जा रही हैं और जिस तरीके से बीजेपी से नाराजगी दिख रही है पिछड़ा समाज की, उससे कहीं ना कहीं सपा मजबूत होती दिख रही है। लगातार सपा नेता राजपाल कश्यप इस मुहिम को लेकर यूपी के दौरे पर है। राजपाल कश्यप बनारस से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और प्रयागराज में अति पिछड़ी जातियों को अपने साथ लाने के लिए संबोधित करेंगे। पूरे यूपी में पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष राजकृपाल कश्यप जी हैं, तो उनके नेतृत्व में सभी जिलों में लगभग सभी विधानसभा में ये सम्मेलन चल रहे हैं। ये वो लोग हैं जो शोषित और वंचित लोग रहे हैं राजनीति में या पदों में समाज में, उनको लेकर समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है और समाजवादी पार्टी का शुरू से राग ही सबको लेके चलना है, लेकिन उन लोगों को पहले आगे लेके चलना जिनको समाज में अति पिछड़े रहे, जिनको कभी सत्ता में भागीदारी नहीं मिली। लेकिन इस बार बीजेपी की हालत पतली है, क्योंकि बीजेपी पर जिस तरह से एक विशेष जाति की मुहर से पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों में नाराजगी, इसके असर को देखते हुए काफी हद तक सपा गोलबंदी करने में सफल भी हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। और अब